भरतपुर के प्राचीन अतिशयक्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा में 26 अप्रैल को भव्य लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग के सानिध्य ने कार्यक्रम को भव्यता दी। अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी एवं अनेक ऋषि मुनियों के सम्यक तप से पवित्र धरा अतिशयक्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली के नाम से विख्यात भरतपुर के कामा तहसील में स्थित बोलखेड़ा, जिसके मुख्य द्वार नवदेवता निलय एवं अन्नामृत प्रसाद का भव्य लोकार्पण किया गया। 26 अप्रैल को आयोजित इस समारोह में अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ससंग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। विभिन्न स्थानों से पहुँचे सौभाग्यशाली परिवारों ने कार्यक्रम में सहभागिता कर विधिवत मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। इसके बाद ध्वजारोहण कर अन्नामृत प्रसाद भवन का फीता खोलकर अतिथि एवं गुरुजनों के कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया गया। सभी को आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महिलाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में आए अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का तिलक अभिनंदन किया गया। इसके बाद आचार्य श्री से सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन बेला में समारोह से जुड़े पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। परम पूज्य विक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान वसुनंदी जी महाराज का लगभग 30 माह के बाद क्षेत्र पे मंगल में प्रवेश हुआ। आज गुरुदेव के सानिध्य में भव्य लोकार्पण, नवदेवता निलय, मुख्य द्वार, अन्नामृत प्रसाद का यहाँ पर गुरुजी के ससंग सानिध्य में लोकार्पण हुआ था। आज गुरुदेव के पावन सानिध्य में ही यहाँ पर विशाल पानी की टंकी का निर्माण का शिलान्यास भी गुरुदेव के आशीर्वाद से क्षेत्र पर हुआ है। आप सब लोग ऐसे ही क्षेत्र पर आकर क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। अरावली पर्वत के मध्य रमणीक वातावरण में स्थित भगवान जम्बू स्वामी तपोस्थली क्षेत्र बोलखेड़ा भरतपुर राजस्थान में लोकार्पण समारोह बड़ी भव्यता से संपन्न हुआ। यह क्षेत्र अत्यंत रमणीक और पहाड़ पर स्थित है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि एक बार क्षेत्र पर आकर धर्म लाभ लें, पुण्य अर्जित करें। इस अवसर पर सभी भक्तों ने अतिशय क्षेत्र के विकास में बढ़ चढ़ कर सहभागी बनने का संकल्प लिया, तो वहीं पानी की विशाल टंकी के लिए विधिवत शिलान्यास भी किया गया। जैन फोकस के लिए भरतपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।